रुबीना दिलनायक अगेंस्ट हो चुकी है एली गोनी के। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल कुछ चीजें होती हैं जो हमें पता होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो नहीं पता होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बाद में पता होती है। ऐसा ही कुछ अभी हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि एली गोनी ने जब टास्क खत्म हुआ है, टास्क खत्म होने के बाद में वो रुबीना के पास गए हैं और रुबीना को पीछे से हग करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरी प्यारी रुबीना जो है वो मुझे माफ कर देगी। लेकिन यहाँ पर रुबीना का दिल काफी ज्यादा दुखी हुआ था, टूटा था, और उन्हें लगा कि यार एली ने जो किया उनके हस्बैंड के साथ में वो काफी ज्यादा गलत था। तो यहाँ पर वो एली को यही सारी बातें जो है वो कहती नजर आई है कि एली ये तुमने बहुत गलत किया, तुमने जिस तरीके से मेरे हस्बैंड को यानी अभिनव को डिसरिस्पेक्ट किया है मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। देखो एक मर्यादा होती है, एक लिमिटेशन होती है, अगर तुम टास्क पे लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हो तो उस चीज की एक लिमिटेशन होती है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर सिर्फ अभिनव को नहीं बल्कि रुबीना को भी पूरा पूरा टारगेट किया है यहाँ पर एली ने। अब देखो कैमरा पर ये चीजें दिखाई गई है, लेकिन आपको टीवी में दिखाए या ना दिखाए वो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पीड गेस्टर होते हैं जो कि बिग बॉस नहीं दिखाते हैं। सो हो सकता है शायद से ये भी ना दिखाए या दिखाए, वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर रुबीना ने एली से ये जरूर कहा है कि जब तक बिग बॉस का ये सीजन खत्म नहीं हो जाता तब तक अच्छा होगा कि तुम मुझसे बातचीत ना करो। आपको क्या लगता है, रुबीना का ये डिसीजन सही है या नहीं? राय कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।